हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप एफ का कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोग का कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसकी जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। चाहे मेल हो, फीमेल हो और इसमें जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, तो आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोग को जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में ग्रुप ए की रिजल्ट जो जारी किया गया था उसके अनुसार आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। और आप लोगों के कई जगह जो आप लोगों ने कमेंट किया है और उसके आधार पर हमने सारा आप लोगों का कमेंट देखा है और आप लोगों से यह जानकारी हासिल किया है कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में या ग्रुप एफ में। चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओबीसी हो, जनरल हो या एससी हो, इन सारा कटअप को हमने एकत्र किया है और सिर्फ आप लोगों को प्रूफ के कारण, यानी आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग 100% विश्वास हो जाए कि आप लोगों का कटअप जो हमने तैयार किया है वह आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही आप लोगों के बीच में या कटअप लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ग्रुप एप में औसत बच्चे का जो कमेंट रहा है, ग्रुप ए में जनरल का कटअप जो उनका आ रहा है मार्क्स, उन्होंने जानकारी दिया है। ओबीसी को देख सकते हैं, एससी को देख सकते हैं और एसटी कैंडिडेट का कमेंट बहुत ही कम देखने को मिला और आप लोगों का ग्रुप ए में औसत बच्चे का इतना मार्क्स आ रहा है। और ग्रुप बी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और एससी का कितना मार्क्स आ रहा है बच्चों के द्वारा कमेंट करने पर। और ग्रुप एफ में, तो दोस्तों ग्रुप एफ में ग्रुप ए और ग्रुप बी की अपेक्षा अधिक मार्क्स देखने को मिला बच्चे के द्वारा कमेंट में। यह जानकारी मिली कि इसमें अधिक मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक यह है कि ग्रुप एफ में सिर्फ मेल कैंडिडेट हैं और इसमें फीमेल नहीं है। तो दोस्तों, लगभग कटअप आप लोगों का समान ही रहेगा, ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप एफ हो, लेकिन ग्रुप एफ वाले स्टूडेंट को एक दो मार्क्स अधिक ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ग्रुप जो आप लोगों का जनरल का नॉर्मलाइजेशन से पहले कटअप और नॉर्मलाइजेशन के बाद कटअप। और दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि आप लोगों का रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम हो रही है या होने वाली है, उस सभी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का रूल है कि अगर आप लोगों का अगर एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, अगर तीन शिफ्ट से अधिक अगर एग्ज़ाम होती है तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन करके ही मार्क्स दिया जाएगा। और अब यह रूल एसएससी के एग्ज़ाम में भी लागू किया गया है। और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में मार्क्स बढ़ने की बात करें तो एएलपी और टेक्नीशियन के आधार पर आप लोगों को बता सकते हैं कि आप लोगों का मार्क्स 5 से लेकर 25 मार्क्स तक बढ़ सकता है, जो आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन के मार्क्स बढ़ने पर भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आप लोगों को मार्क्स इतना आ रहा है नॉर्मलाइजेशन से पहले, यानी 72 से 75 जनरल, ओबीसी 70 से 74, एससी 60 से 65, और एसटी स्टूडेंट ने काफ़ी कम स्टूडेंट ने कमेंट किया है। लेकिन अगर आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो अगर आप लोगों का एससी से 5 अंक कम आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अगर आप लोगों का 78 से 82, 76 से 80, 70 से 75 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग अपना कटअप को पार कर चुके हैं और आप लोगों का इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के चांस अधिक है। तो दोस्तों, अगर मार्क्स आप लोगों का इससे कम भी आ रही है तो फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का मार्क्स अब डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पे कि आप लोगों का मार्क्स में कितना मार्क्स बढ़ती है। अगर आप लोगों का मार्क्स बढ़ती है और आप लोगों का मार्क्स अगर इसके कटअप पे आ जाती है तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। यानी दोस्तों, अगर आप लोगों का मार्क्स इससे कम भी है तो आप लोगों को रिजल्ट बनने का चांस है, जो आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन में देख चुके हैं। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो जनरल हैं तो 60 से 65, अगर ओबीसी हैं तो 58 से 62, एससी हैं तो 55 से 60। और दोस्तों, इनका कटअप कम इसलिए है क्योंकि हमने प्रत्येक एग्ज़ाम में, यानी प्रत्येक एक शिफ्ट में और एक सेंटर पे हमने देखा है और प्रत्येक जगह हमने यह जानकारी हासिल किया है, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुए हैं और जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो लड़कियों की संख्या की बात करें तो प्रत्येक शिफ्ट और एक सेंटर में लगभग
लड़कियों की संख्या यानी फीमेल की संख्या की बात करें तो 10 से 15 स्टूडेंट ही मात्र उपस्थित हो पाई है। तो इसके आधार पर कटअप आप लोगों को लड़के के अपेक्षा लड़कियों का कटअप बहुत ही कम जाएगा। अगर आप लोगों का कटअप इससे भी कम आ रही है तो फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा। तो दोस्तों यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आगे आप लोगों को और कुछ बता रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप एफ और ग्रुप बी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जनरल मेल और फीमेल ओबीसी की सीटों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, टोटल सीटों की संख्या देख सकते हैं। और ग्रुप ए में अगर सीट की बात करें तो ओबीसी का बहुत ही कम सीट दिया गया है और ग्रुप बी में ग्रुप ए की अपेक्षा ग्रुप बी में अधिक सीटें हैं और ग्रुप एफ में सिर्फ मेल कैंडिडेट है। और आगे देख सकते हैं आप लोग अगर ग्रुप ई की जानकारी की बात करें तो ग्रुप ई में टोटल स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए गए थे इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था इसमें 2084 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था ग्रुप ई में। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 340 टोटल वैकेंसी थी। और गुना की बात करें जो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बताया गया था कि आप लोगों का सिलेक्शन 10 गुना होगा यानी शरीर परीक्षा के लिए, लेकिन ग्रुप ई में स्टूडेंटों की संख्या कम होने के कारण शायद लगता है कि मात्र जो है 6.12 गुना ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाया, यानी 6.12 गुना ही बच्चे का सिलेक्शन लिया गया था ग्रुप ई में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाकी का जो ग्रुप है उसमें बच्चों की संख्या अधिक होगी क्योंकि इसमें वैकेंसी भी अधिक है और स्टूडेंट भी अधिक है, तो लगभग 10 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अगर रेलवे आरपीएफ एसआई की बात करें तो उसमें लगभग 11 से 12 गुना बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन 11 या 12 या 10 गुना करता है तो आप लोगों का कटअप भी ठीक इसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार आप लोगों को कटअप की जानकारी दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जवाब ज़रूर दें। अगर आप लोग इस कटअप के पार आ रहे हैं तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाए क्योंकि आप लोगों का जो रनिंग का टेस्ट का एग्ज़ाम है वह एक चीते की रफ्तार से दौड़ना है आप लोगों को। तो आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग चीते की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। तो दोस्तों यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी भी आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर होंगे तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लोगों का सारा कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।